There was a time when people used to live in joint families. So, children got proper care, food, love, values of life, culture, and proper guidance from their parents, grandparents, and relatives. But the age-old tradition of the joint family is vanishing slowly from our society. Therefore, it has brought about insecurity for the children by losing the physical touch and affection which their parents and dear ones could give. But in the present society, the situation is quite different, and there is a lot of change and development in the entire family system. उस जॉइंट फैमिली के साथ रहने से हमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं क्योंकि हम कहीं भी कोई भी मोड काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, हमें ना ही कोई टेंशन होती कि हमारे बच्चे कोई केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बारे में हमें ये होता है कि हमारे दादा उनके बच्चों के दादा दादी या उसकी बुआ जी चाचा जी जो भी कोई होते हैं वो सब उनकी केयर कर लेते हैं। शुरू से ही उन बच्चों को हमें सच बोलना और उन्हें झूठ नहीं बोलने की सिखाते हैं कि वो किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से गलत बोलना चाहिए। और वे सभी जो भी कोई हमें कोई बड़ा मिले उन बच्चों के कहते हैं कि उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करनी चाहिए, और कोई बुजुर्ग है तो उनके पैर भी छूने चाहिए, और कोई आपके छोटे बड़े जो भी है उन सबको सलाम करके चलना चाहिए क्योंकि इससे हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। जैसे कि उनके दादा दादी उन्हें कहानियाँ सुनाकर, लोरी सुनाकर, अच्छी अच्छी बातें बताकर, और बड़े 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 बुजुर्गों और जो भी कोई उनसे बड़े होते हैं उन सबका आदर करने के लिए सिखाते हैं। People of today do not necessarily believe in the joint family system. The cause could be due to development, civilization, urbanization, education, modernization, and industrialization. These are the things which have influenced and affected human life to a great extent. So, the lifestyle of today has changed, and a number of nuclear families have come into being. It is believed that such tiny families have made family life more comfortable, less expensive, and happier. This is the reason why many people today, instead of joint family, prefer nuclear families. Thus, we can see a greater difference in modern family life than the olden days. Meanwhile, the present competitive life has compelled man to fight for survival. With modernization, the needs and requirements have also increased. As a result of not being satisfied with little earnings, modern man, namely parents, do not sit idle but run for jobs. Today, earning more money means having a better life. This is the reason for which both parents go to work. But on the other hand, children become the sufferers. एक मिनट बेटा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे को नहीं संभाल सकते आप? पकड़ो उसको। देखो मेरी 4 महीने की छुट्टी हो गई है, अब मैं भी ऑफिस जाया करूंगी, आप भी ऑफिस जाते हो, आपको तो छुट्टी वैसे ही नहीं मिलती है, तो इसका क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मेड रखेंगे हम इसको। They are deprived of parents' love, care, support, touch, and guidance. In this case, in order to fill the gap, parents hire maids or put their children in daycare centers. In this way, they avoid the problem and cope up with the situation. The nuclear family ka jo concept hai, wo आज की एज में बहुत कामयाब है, बहुत सफल है मैं कह सकता हूँ। हर महिला चाहती है कि मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, कोई नहीं चाहती कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में हो। न्यूक्लियर फैमिली में बेसिक प्रॉब्लम तो है बच्चे की केयर। हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं तो बच्चे को कौन देखेगा? अगर मेड भी रखो तो वो भी ट्रस्टेबल नहीं है, पता नहीं किस तरह से बच्चे का केयर करेगी, किस तरह से नहीं करेगी। बच्चे को जो प्रॉपर अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है।
शाम को आएंगे, खाना वाना बनाएंगे, इतने में बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है। वो मम्मी पापा से दूर होता जाता है धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा तो मम्मी पापा से दूर ही होगा, बाहर की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो बच्चा भी अलग अलग रहने लगता है, फिर वो भी इसी तरह के माहौल में अपना एडजस्ट कर लेता है। अब मिडिल क्लास फैमिली में दोनों को अर्न करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करें तो भी चलेगा। तो अपने घर के परिवार के लोग होते हैं वही बच्चों को वो संस्कार दे सकते हैं, मेड और डे केयर सेंटर ये सब संस्कार नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो सिर्फ केयर कर सकते हैं। बट सिक्योरिटी पर्पस, हाँ, घर में मेड को के छोड़ देने से बेटर है डे केयर सेंटर में छोड़ दूँ, ताकि वो एटलीस्ट जब तक हम घर आएँ तब तक वो वहाँ सिक्योर रहे, प्रॉपर उसको खाना वाना ये सब प्रोवाइड हो सके। घर में नहीं हो पाता, हम लोग नहीं कर पाते टाइम से। एट द सेम टाइम another alternative solution for parents is providing toys and playful material and also money. Meri pocket money papa, tum bhi le lo bhai. This is how parents of modern day satisfy their children's needs. But parents often forget that giving more toys and money to the children could make them more demanding and disobedient. While children are put under the care and guidance of maids or in the daycare centers, the effect of this is that children don't get proper love, care and touch as they would have got from their own parents. The children also don't get family values, norms and traditions. क्योंकि आजकल पेरेंट्स को टाइम नहीं है सिखाने का, पेरेंट्स से भी कहते हैं कि आप भी इंटरेस्ट लीजिए थोड़ा सा, कुछ बच्चों को उसके बारे में बताइए, नहीं तो हम अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। सैटरडे को जो नहीं मिलता है ऑफ, वो सैटरडे को बच्चे को अपने पास रखें। कुछ पेरेंट्स छोड़ते भी हैं, लेकिन हम उन्हें फिर भी ये सजेस्ट करते हैं कि एक दो दिन तो मिले आपको, ठीक है हम पूरे 5 दिन रखते हैं, लेकिन 2 दिन मिले हैं वो आपको अपने बच्चे के पास रखना चाहिए, उनके साथ रखना चाहिए, बच्चे को आप अपने साथ मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को माँ बाप से दूर हो, हम उनके बच्चे को केवल अपने पास सिक्योरिटी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, एनवायरमेंट दे रहे हैं वो, लेकिन हम उन्हें माँ बाप से दूर नहीं करते बिल्कुल। If this is the case today, and we believe that children are the future of our nation, then will our belief come true? Are we on the right path today? What will be the future of children without values? Thank you.